भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसने इस वक्त विवाद खड़ा कर दिया है। इसके बाद शिवसेना के सभी कार्यकरों की ओर से उन पर कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए देश भर में विरोध भी जताया जा रहा है। उसी के चलते आज शहर की शिवसेना के कार्यकरों की ओर से जिला कलेक्टर RB बारड़ को आवेदन पत्र दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब देश भर में शिवसेना की ओर से उनके खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और साथ ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उन पर कड़े कदम उठाने की मांग भी की जा रही है, जिसके चलते आज वडोदरा शहर में मौजूद शिवसेना के कार्यकरों की ओर से जिला कलेक्टर RB बारोड़ को इस मामले आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही इन सभी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के सामने कड़े कदम उठाने की अपील भी की गई। ख्याल हे कि जे प्रमाण महाराष्ट्र में घटना घड़ी है यहाँ केन्द्रीय मंत्री द्वारा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तमज पक्ष प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पर जे प्रमाण बेफाम वाणी विलास करना विरोध में त्याना युवा सैनिके एक तमें जोयुं हशे कि प्रसाद की वेचनी करेली अने अमारी एक ज मांग है कि भाई आवा बेफाम स्टेटमेंट आपता नेताओं पर तात्कालिक धोरणे मोदी सरकार एक कड़क एक्शन ले, नहीं तो आवनारा दिवसों में आवी जो वाणी विलास चालू रहे तो आ तो खाली काले प्रसाद आप्यो छे पण आवनारा दिवसों में पछी भंडारो भी योजाशे एनी संपूर्ण जवाबदारी ए बधी आ नारायण राणे नी रहेशे। एटले भारतीय जनता पार्टी शिस्तमां मानती पार्टी छे अने अमने विश्वास छे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आवा कैबिनेट मंत्री ने एमना त्यां स्थान नहीं आपे अने राजीनामुं एमनुं तात्कालिक धोरणे लेशे ए अमने एक मोदीजी पर एक आशा अपेक्षा छे। एटले आजे अमे कलेक्टरशीने आजे अहींया आवेदन अपाव्या छे अने ए कॉपी सीधी नरेन्द्रभाई मोदी ने त्यां सुपुर्द थशे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।